दोस्तों खामखा विपक्ष वाले भाजपाइयों पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं और मंच से बहुत फेंकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो भाजपा विधायक बहरोड़ से, राजस्थान के बहरोड़ से बीजेपी विधायक है ना, इनसे ज्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं। ये इतनी ईमानदार बात बोल गए कि पीएम मोदी अभी कुछ देर पहले बिहार के नवादा में जो बात बोल गए वो उन्हीं की बात काट गए। दोस्तों आप बीजेपी के बहरोड़ से, राजस्थान के बहरोड़ से बीजेपी के विधायक जसवंत जी की बात सुनेंगे ना तो मतलब आपके भी दिल से निकलेगा, मतलब क्या गजब की ईमानदारी है। दोस्तों ये राजस्थान के बहरोड़ से बीजेपी के विधायक जसवंत जी की ये मंच से कही हुई बात इंस्टाग्राम में कांग्रेस के हैंडल से शेयर किया गया। दोस्तों ये बात कब की है ये एग्जैक्टली यहाँ पर बताया नहीं गया है, लेकिन ये मैटर नहीं करता क्योंकि जो बात वो बोल रहे हैं ना, आहा मैं क्या बोलूं, आप खुद सुनिए। हमारे लिए रोटी मिले या ना मिले, काम मिले या ना मिले, घर मिले या ना मिले, पर वो देखो जिस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी उस देश के लिए आज मोदी की जरूरत है, तो हमको भी उसी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मोदी जी के अलावा कुछ नहीं। देखा, इसे कहते हैं साफ गोई। बीजेपी के विधायक साफ बोल गए, रोटी मिले ना मिले आपको, काम मिले ना मिले आपको, लेकिन जिताते रहिएगा आप मोदी जी को। चलिए मतलब विधायक जी ये तो मानते हैं कि रोटी और काम की दिक्कत और किल्लत है हमारे देश में, लोग रोटी और रोजगार मांग रहे हैं। हालांकि विधायक जी कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताते रहिए। बीजेपी के एक विधायक हैं जो कह रहे हैं कि रोटी और रोजगार मिले ना मिले आप मोदी जी को जिताते रहिए। वहीं अभी नवादा में, आज बिहार के नवादा में पीएम मोदी रैली कर रहे थे। पीएम मोदी नवादा में रैली में बता रहे थे कि कैसे भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। यकीन नहीं आता आपको, खुद सुन लीजिए। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया, ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। बताइए दोस्तों, ये दो कितनी अलग अलग बातें। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, राइट, इस देश में, उस देश में, अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, फलाना है, ढिमकाना में, और ये मोदी ने नहीं किया है, ये देश के लोगों ने किया है। और एक तरफ बीजेपी के विधायक हैं जो कह रहे हैं कि रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, मोदी जी को आप जिताते रहिए। रोजगार और रोटी क्यों नहीं मिलेगी जब देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, तो रोटी और रोजगार की बात भी क्यों कर रहे हैं बीजेपी के विधायक? अब इन दो बातों में से कौन सी सच्ची बात मानी जाए, मतलब क्या कंफ्यूजन है दोस्तों। मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, मोदी जी को वोट देते रहो, और एक तरफ कंगना है जो कहती है कि आजादी 2014 से पहले मिली ही नहीं। अभी तीनों बैठकर आपस में डिसाइड कर लें कि एग्जैक्टली हम माने क्या। दोस्तों ये तो मजाक अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान से बीजेपी के विधायक ने जो बात बोली है ना, वो वाकई में एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमारे ऊपर एक भद्दा मजाक है कि हमारे नेता रोटी और रोजगार को कितनी हल्की बात समझते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, कंगना कुछ और बोल रही हैं, बीजेपी के विधायक कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर ऐसा कानून बनाया जिसमें हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम क्या चुनते हैं, अपना सांसद चुनते हैं। आज के दौर में क्यों वो कानून बनाया गया वो सबसे मौजूद दौर है समझने के लिए। दोस्तों प्रधानमंत्री अपने नाम पर वोट मांगते हैं, उनके तमाम नेता उनके नाम पर वोट मांगते हैं। कोई ये कहकर वोट मांगता है कि रोटी रोजगार मिले ना मिले, मोदी को वोट करना। कोई ये कहकर वोट मांगता है कि मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया इसलिए मोदी को वोट करना। कोई ये कहकर वोट मांगता है कि मैंने विश्वगुरु बना दिया देश को इसीलिए मुझे वोट करना। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि हमारे देश में जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती। ये कोई अमेरिका नहीं है जहां प्रेसिडेंशियल चुनाव होता हो,
हाँ, जानबूझकर पूरी कोशिश के साथ इस चुनाव को प्रेसिडेंशियल किया जाता है ताकि कि व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द चुनाव सिमट कर रह जाए। फिर कोई आदमी आपसे कहेगा रोटी रोजगार भूल जाओ, फलाने को वोट दो, और कोई आदमी आपसे कहेगा कि मैंने विश्वगुरु बना दिया इसलिए मुझे वोट दो। क्यों? क्योंकि हर तरह से पूरा का पूरा चुनाव एक आदमी के इर्द गिर्द हो जाएगा और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसीलिए सोचिए, आज से दशकों पहले हमारे संविधान निर्माता कितने होशियार और कितने सयाने थे कि उन्होंने इस ऐसा कोई डर भारतीय लोकतंत्र पर ना पनपे, पहले ही इस तरह के कानून बनाए कि हमारा जो वोटर है वो प्रधानमंत्री नहीं चुनता, वो सांसद चुनता है, सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। यही एक तरीका है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की आत्मा को जिंदा रखने का। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री के नाम पर जो आपने वोट दिया है, चाहे किसी भी नेता के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर दिया हो, मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रही, ना किसी एक पार्टी की बात कर रही, वो नहीं आएगा आपसे बात करने। सच्चाई है कि आपके घर परिवार में कोई दिक्कत हो जाए, या सड़क में कोई दिक्कत है, बिजली पानी में कोई दिक्कत है, या कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आपको अपने सांसद से बात करनी है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके सांसद अपने इलाके की आवाज़ संसद में उठाएं, तो जिसके नाम पर आपने वोट दिया है जो भी नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। कौन आएगा? सांसद आएगा। आप किसके पास जाएंगे? अपने सांसद के पास जाएंगे, दरख्वास्त लेकर जाएंगे, शिकायत लेकर जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, आज देश में हालात क्या है, पूरा का पूरा चुनाव एक शख्स के इर्द गिर्द कर दिया गया है। यही रीजन है दोस्तों कि पीएम मोदी जिस भी रैली में जाते हैं वो याद दिलाते हैं कि देखिए मुझे इतनी गालियां पड़ गई, उनको गालियों के नंबर्स भी याद हैं। वो बताते हैं कि मैं इतना किलो गाली रोज खाता हूं और यही मुझे ऊर्जा देती है। आप प्रधानमंत्री की हर रैली में देखिए, बार बार ये मोदी की गारंटी, मोदी ने ये किया, मोदी ने किया, मोदी, ये बार बार बोलकर लोगों के जहन में बात बिठाई जाती है कि आपके इलाके का सांसद इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका वोट जाना चाहिए सीधे कैसे? पीएम मोदी के खाते में। हो सकता है इससे किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पार्टी विशेष को फायदा हो, लेकिन लंबे दौर में अगर हम देखें तो भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और हमारे संविधान निर्माता, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखों ने, वो सयाने लोगों ने दशकों पहले ही इस डर को भांप लिया था, इसीलिए प्रावधान किया कि आप अपना सांसद चुने। इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी इन तमाम नेताओं को दरकिनार करके कि अपना सांसद चुनिए, आपका सांसद आपका प्रधानमंत्री चुन लेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, आजादी के इतने साल बाद भी किसी नेता को यह कहना पड़ रहा है कि तुम रोटी को भूल जाओ, रोजगार को भूल जाओ, वोट मोदी जी को दो, क्योंकि जिस देश को आजादी बड़ी मुश्किलों से मिली है वो देश मोदी जी आज उस देश की जरूरत है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, ज्वाइन के जरिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और थैंक्स का ऑप्शन हर वीडियो में दिया गया होता है, इसमें आप 40 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितना भी चाहें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को।